कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से देश में भी बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में संक्रमितों की संख्या 1300 के पार हो गई है। इसमें से 40 लोग अभी तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि संक्रमण से 141 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के सबसे अधिक प्रभावित जगहों में से महाराष्ट्र बताया जा रहा है। यहां तक अभी तक 216 केसेस इस जगह से सामने आए हैं, जिसमें से 10 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हो चुकी है। महाराष्ट्र के अलावा केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत 20 से अधिक राज्यों में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। कोरोना के कारण पूरा देश लॉकडाउन है। आज लॉकडाउन का 7वां दिन है, लेकिन अभी भी मजदूरों का पलायन चिंता का सबब बना हुआ है। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज का कोरोना कनेक्शन सामने आने के बाद अब हड़कंप मच गया। मरकज में रहने वाले 200 लोगों को कोरोना का संदिग्ध माना जा रहा है। LNJP अस्पताल में मरकज के 34 लोगों को जांच के लिए भेज दिया गया। वहीं दिल्ली सरकार ने मरकज के मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला अब किया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, बेहद गंभीर स्थिति होती जा रही है, दिन ब दिन आंकड़े यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक समस्या तो थी ही, लेकिन अब भारत में भी स्थिति की गंभीरता बड़ी ही ज्यादा गंभीर हो चली है। मरकज का जो यहां पर एक वाकया मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये पूरा वाकया रहा? 200 से ज्यादा लोग संक्रमित एक ही जगह से बताए जा रहे हैं। जी जयती, करीबन 13 मार्च से 18 मार्च तक ये आयोजन चल रहा था। निजामुद्दीन इलाका है दिल्ली का मरकज बिल्डिंग, वहाँ पर तबलीगी जमात के जो लोग हैं, धार्मिक आयोजन किया जा रहा था। कुछ उलेमा आए थे बाहर से, यानी कि सऊदी अरेबिया से, दुबई से, तजाकिस्तान से, तमाम ऐसे जो देश हैं जहां पर कोरोना वायरस फैला हुआ है, वहां से संक्रमित कुछ उलेमा भारत आए थे। और उनके संपर्क में आने से करीबन 2500 जो ये लोग बताए जा रहे हैं, काफी ज्यादा संख्या में बताए जा रहे हैं, लगभग 2500 के आसपास लोग इसमें शामिल हुए थे, जिनमें से दिल्ली सरकार ने अब इनका एक एक करके टेस्ट कराना शुरू कर दिया है। करीबन ये दिल्ली सरकार की ओर से जो आंकड़े आए हैं, उनमें 10,033 लोगों को का जो है टेस्ट करा दिया गया है। उनमें से 3300 जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल में रखा गया है, बाकी 700 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। ऐसे में कुछ दिल्ली में करीबन 20,000 जो घर हैं उनको जो है क्वारंटाइन किया गया है, संदिग्ध पाए गए हैं। और इस मरकज में जो धार्मिक आयोजन जो है उसमें शामिल होने के लिए जो कुछ लोग आए थे वो तेलंगाना पहुंचे। जब यहाँ से तो 6 जो तेलंगाना में कुछ लोग जो संक्रमित पाए गए, उनमें से 6 की मौत भी हो गई है। तो बहुत ही गंभीर मामला है। दिल्ली सरकार ने मरकज में जिन लोगों ने ये धार्मिक आयोजन किया उनके आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। हालांकि मरकज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये आयोजन पहले से तय था। दिल्ली पुलिस को उन्होंने ये इस बात की सूचना दी कि जिस दिन संडे को जिस दिन दिल्ली में जनता कर्फ्यू लगाया गया था, वो लोग नहीं जा पाए, वहां रुक गए। और उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति, ऐसे में दिल्ली पुलिस ने पास देने में देरी लगाई। जी प्रीत, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आज लॉकडाउन का 7वां दिन है, हर तरीके से सरकार यहाँ पर लोगों से गुंजाइश कर रही है और कोशिश भी कर रही है इस चीज की कि लोग अपने घरों पर रहें और इस चेन को जो है वो तोड़ दिया जाए। मजदूरों का जो पलायन है वो अभी भी चिंता का सबब यहाँ पर सरकार के लिए बना हुआ है, इसको किस तरीके से देखती है आप? 7वां दिन आज लॉकडाउन का है, क्या लोगों में इस चीज को लेकर जागरूकता बढ़ रही है या फिर कम होती जा रही है? देखिए, 7वां दिन है, लोग जरूर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो है ट्रांसमिशन स्टेज में ही है इंडिया, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज तक नहीं पहुंचा है। लेकिन जिस तरीके से आज ये निजामुद्दीन का मामला शामिल सामने आया है, दिल्ली के जो लोग हैं काफी उनके अंदर इस बात को लेके काफी एक तरीके से डर का भी माहौल हो गया है कि अगर इतने लोगों को संदिग्ध दिल्ली में पाया गया है तो दिल्ली आने वाले दिनों में कर्फ्यू के दौरान अगर इस तरीके से संक्रमण बढ़ सकता है तो आने वाले दिनों में दिल्ली और कितनी भयावह स्थिति में हो जाएगी। बिल्कुल, तो फिलहाल जनता में अवेयरनेस लाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है,
बावजूद इसके तमाम जो मजदूर हैं वो अपने अपने शहर की ओर अपने अपने गांव की ओर जाते हुए दिखाई दिए, उनको केंद्र सरकार नहीं रोक पाई, अलग अलग राज्यों की सरकार नहीं रोक पाई और अब जो है ये मरकज का मामला सामने आया है। ऐसे में तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से, राज्यों की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से, जनता भी अवेयर है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे संदिग्ध हैं, उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, किट्स जो है दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कम बताई जा रही है, तो फिलहाल ये तमाम जो मुश्किलें हैं वो अभी फेस करने को सामने। जी 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 जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद प्रीत। आपको एक बार फिर से बता दें, देश में यहाँ पर कोरोना की स्थिति अब 1300 का आंकड़ा यहाँ संक्रमित लोगों की जो संख्या है उसे पार कर चुकी है। 40 लोगों की मौत भी संक्रमण के चलते हो चुकी है। इसी बीच में दिल्ली के मरकज में यहां पर एक धार्मिक आयोजन का किया जाना बताया जा रहा है। 200 से अधिक लोग एक ही जगह से संक्रमित बताए जा रहे हैं, संदिग्ध माफ कीजिएगा बताए जा रहे हैं। 34 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है इस मामले में।